हेलो एवरीवन, एक ही ब्लाउज पीस में से मैं आज आप लोगों को आठ चीजें बनाना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसका नाप लिया है, टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है। 19 बाई 8.5 इंच का ये पीस है हमारा। और इस तरीके से देखिए, मैं करीब इसे 1.25 इंच करीब इसे यहाँ से कट कर दूंगी। तो देखिए, कट कर दिया है, जिप लगा दी है। इस तरीके से ऊपर से एक और सिलाई हमने लगा दी है, एक इधर भी हम लगा देंगे और ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ऊपर की सिलाई भी हमें अटैच कर देनी है। पीस सेंटर में मैंने सबसे पहले निशान लगाया है, क्योंकि हमने जो चैन लगाई है उसके लिए पॉकेट बनानी है। इधर से भी हमने चैन को अटैच कर दिया है। अब देखिए, पॉकेट के लिए जो हमने चैन लगाई है उसमें हम रनर डाल देंगे सबसे पहले, और एक हम अस्तर के लिए कपड़ा लेंगे, ऊपर से इसको हम सिल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको सिल दिया है। अब जो बीच सेंटर में हमने निशान लगाया वहां से हमें इसको सिल देना है। तो देखिए, ये भी हमने सिल दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमने कट कर दिया है। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मतलब उल्टा कर लेंगे, और जिप को हम एक और बार डाल देंगे ताकि हमारी जो चैन है वो बंद हो जाए, और दोनों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसमें हमें लगानी है एक पट्टी। अब देखिए, कोई भी आप इसमें शेप दे सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो, या कोई भी शेप आप दे सकते हो। अब देखिए, मैंने एक पट्टी ली है 40 इंच लंबी, और इस तरीके से मैं इसको दोनों साइड में अटैच कर लूँगी और ये हमारा स्लिंग पर्स बनके रेडी हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। और गाइज, अगर आप लोगों को कोई सा भी पर्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और इन सब की वीडियो आप लोगों को मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अंदर इसी चैनल में रूबी अग्रवाल नाम है इस चैनल का, तो आप और भी पर्स की वीडियो इसी चैनल में आप देख सकते हो, और भी आपको चाहिए तो। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने स्ट्रिप को अटैच करते हुए सिलाई लगा दी है, और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो इस तरीके से। और पाइपिंग लगाने के बाद अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। देखिए, कितना प्यारा सा हमारा पर्स बनके रेडी है, बहुत ही प्यारा सा। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं स्लिंग पर्स, क्योंकि ये आसानी से हम ले सकते हैं इनको साइड में, और हाथ में लेने की भी इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं छोटे से कपड़े में से। अब चलिए, दूसरा आइडिया हमारा ये। तो हमने फॉर्म अस्तर लगा के सारे पीस रेडी कर लिए हैं। तो 19 इंचेस की लंबाई है, 9 इंचेस की चौड़ाई है। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई वगैरह लगा ली है, और अब हमें एक नाप लगाना है 4.5 इंच का। देखिए, 4.5 इंच का मैंने निशान लगाया है, लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर से, और इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए, हमने कट कर दिया है। अब देखिए, ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे और डबल सिलाई लगा के अटैच कर देंगे जिप को। ऊपर वाले पार्ट को भी हम सिल देंगे और जिप को हम नॉर्मली अटैच कर देंगे जैसे हम करते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है रनर, क्योंकि रनर हम पहले ही डाल देते हैं, क्योंकि सिलाई लग जाती है साइडों से, तो इसीलिए। अब देखिए, अस्तर वाला पीस हमने ज्वाइंट कर दिया सिलाई के ऊपर से, मतलब जो चैन लगाई उसके ऊपर से, और इधर साइड में भी हमारी दो पॉकेट आ जाएंगी। तो ये 4 पॉकेट वाला हमारा पर्स बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके देख लेंगे कहाँ तक ये सेट आ रहा है। तो देखिए, करीब 7.5 इंच ये नीचे से आ रहा है इधर साइड से, और इसको हम सेट कर देंगे पहले आलपिन की सहायता से, ताकि हिले ना। और बीच सेंटर में हमने निशान जो लगाया है 7 इंच की दूरी पर, वहां से हमने इसको सिल दिया है, और इधर से भी दो पॉकेट इसमें से निकाल देंगे, जो अंदर वाले हिस्सा है उसमें से। अब हमने ली है एक पाइपिंग, इस तरीके से अटैच कर देंगे दो सिलाई लगा के। तो देखिए, पाइपिंग भी लगा दी है। अब एक और पाइपिंग ली है हमने, दोनों साइड में हमें इस पाइपिंग को अब लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से। तो देखिए, एक साइड से मैंने पाइपिंग को लगा दिया है। तो पहले हम लगा लेते हैं वेलक्रो को। तो 20 सेंटर में मैंने वेलक्रो लगाई है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि वहां पर आएगी पाइपिंग इसीलिए। अब देखिए, दूसरी साइड में भी हम नापते हुए इस वेलक्रो को लगा देते हैं। तो पाइपिंग लगाने से पहले वेलक्रो लगा देनी है इसी तरीके से। तो देखिए, नाप के हमने वेलक्रो लगा दिया, तीनों साइड में हमने पाइपिंग भी लगा दी इस तरीके से। तो ये हमारा पर्स अभी रेडी नहीं है, थोड़ा सा अभी बाकी है। हमने एक लेस लिया इस तरीके से नापते हुए हैंडल बनाने के लिए। इसका नाप मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, इसका जो नाप है करीब 19 इंच का है। इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और इसमें हम ऊपर से एक और दो सिलाई दोनों साइड में लगा देंगे। इस तरीके से हमारी स्ट्रिप बन के रेडी हो जाएगी पकड़ने के लिए हैंडल। अब देखिए, 20 सेंटर से हम निशान लगाएंगे, और 2 इंच का दोनों तरफ निशान लगाते हुए इस स्ट्रिप को
अटैच कर देंगे ताकि ये हमारा पकड़ने वाला पर्स को हैंडल हो जाए और बहुत ही प्यारा सा हमारा पर्स बनके रेडी हो जाएगा। और ऊपर से आप इसमें फ्लावर वगैरह अटैच कर सकते हो और ये हमारा पार्टी वियर भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो जैसा कपड़ा वैसा ही आपका पर्स बनेगा। तो देखिए प्यारा सा पर्स हमारा रेडी है, 4 पॉकेट हो गई इसके, तो 4 पॉकेट में ये हमारा प्यारा सा पर्स रेडी है। तो इस तरीके से आपको कोई भी फ्लावर वगैरह अटैच कर देना है। तो चलिए अगला पर्स है हमारा। तो देखिए इसके लिए मैंने जो नाप लिया है वो है देखिए करीब 22 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 11.5x22 इंच का ये हमारा टोटल कपड़ा है। अब देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करके इसको अटैच कर देना है दोनों साइडों से ताकि हिले ना बिल्कुल भी हम इसमें कटिंग लगाएंगे तो। और देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे देखिए 1 इंच का और इधर से और 1 इंच का इधर से। तो 1x1 का हमने निशान लगा दिया है और इधर से भी 1x1 का हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं दोनों साइड में, इसको हमने कट कर दिया है। अब इधर से हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच का इधर से और इधर से हमारी सिलाई आएगी तो 1.5 इंच का करीब हम इधर से लगा देते हैं क्योंकि नीचे से तो हमारी कोई सिलाई नहीं आएगी, बंद पार्ट है इसीलिए। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा देंगे। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं और इस तरीके से हमारे पीस रेडी हो जाएगा कुछ। और अब हमने एक जिप वाला पार्ट लिया है इसके बराबर का और इस तरीके से अटैच कर दिया, ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड में भी हम इसे अटैच कर देंगे और ऊपर से ओपन करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया है। अब आपको जिप डाल देनी है इसमें और उल्टा करके एक और बार इसे बंद करके जिप को फिर से आपको डाल देना है। तो देखिए मैंने इसको दोबारा से डाल दिया है और इस दोनों साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लगाने के लिए आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हो साथ में ही। तो देखिए पाइपिंग मैंने साथ में ही पकड़ ली है और अटैच कर देते हैं। एक ही सिलाई से आपकी पाइपिंग और सिलाई दोनों लग जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं पाइपिंग के साथ में ही सिलाई लगा रही हूँ और इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया है दोनों तरफ से। हमारी पाइपिंग और सिलाई लग के रेडी है। अब हमने एक और स्ट्रिप ली है, ये करीब हमारी 40 इंच की है। तो देखिए 40 से 42.5 इंच की है ये हमारी स्ट्रिप। और ये देखिए अब हम इसमें स्ट्रिप डालेंगे अंदर की साइड में। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें स्ट्रिप डाल रही हूँ और दूसरी साइड से मैं निकाल दूंगी इसको। तो देखिए देख लेंगे कोई भी इसमें अंटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंटा लग गया तो आपका जो पर्स का लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा, डोरी का अंटा आ जाता है तो उसमें। तो आपको सीधी एकदम सीधी स्ट्रिप पकड़नी है और इस तरीके से पकड़ते हुए बीच सेंटर में आपको सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है और इधर से भी हमने सिलाई लगा दी है, ऊपर से स्ट्रिप अटैच कर दी है। अब दूसरी साइड से भी हम सेम प्रोसेस के साथ इसे पहले सिलाई लगा लेंगे फिर इस स्ट्रिप को अटैच करते हुए और इसमें पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है इसमें और नीचे की साइड से भी हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी और ये हमारा प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। तो देखिए मैं सीधा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सा हमारा सिंपल सा पर्स है लेकिन है बहुत काम का। तो आई होप ये वाला भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगला पर्स आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें। अब देखिए एक पीस और लिया है हमने, इसका नाप भी आप लोगों को बता देती हूँ कितना है इसका नाप। तो देखिए करीब 14.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंच की है। इस तरीके से 20 सेंटर में मैंने निशान लगाया है दोनों साइडों में। तो दोनों साइडों में निशान लगाने के बाद में आपको 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगा देना है 20 सेंटर से, जो हमने निशान लगाया है 20 सेंटर में उधर से। तो 3 इंच की दूरी हो जाएगी दोनों मतलब निशानों की और 20 से 1.5 इंच की। और जो हमारा बीच वाला निशान है और जो हमने साइड वाले निशान लगाए हैं उसको आपको 20 वाले इस निशान से मिला के इस तरीके से दोनों साइड से आपको चिन्ह टन लगाने देनी है।
तो देखिए मैंने इस तरीके से चुन्ना टन लगा दिए दोनों तरफ से। पाइपिंग लगा देते हैं पहले ऊपर से। तो देखिए पाइपिंग मैंने अटैच कर दिया दोनों साइडों से और ऊपर से हम चिप अटैच कर देंगे नीचे की साइड रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जिप भी अटैच कर दी है और दूसरी साइड को भी हम इस तरीके से ओपन करेंगे पहले और फिर सिल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे रनर। तो सबसे पहले हम सिल लेते हैं स्ट्रिप इसके, क्योंकि हम इसे स्लिंग पर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। आप इसे सादा पर्स बनाना चाहते हो तो छोटी स्ट्रिप बना लेना दो। तो देखिए 40 इंच लंबी मैंने स्ट्रिप ली है, इसमें रनर डाल देती हूँ। इसको उल्टा करके फिर से मैं इसको चैन को बंद करके फिर से इसमें एक और बार डाल दूंगी। अब देखिए हमें स्ट्रिप लेनी है, जो हमारा ऊपर चैन वाला पार्ट है वहां से सेंटर से पकड़ना है आपको और सिलाई सीधी लगा देनी है। पाइपिंग भी आप इसमें लगा सकते हो। अब देखिए दूसरी साइड से आपको बिना अंटा के आपको इस तरीके से स्ट्रिप को पकड़ना है और सेट कर देना है। इसमें आपको ध्यान रखना अंटा नहीं आना चाहिए कोई भी स्ट्रिप में। और दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है मैंने इस तरीके से, अब हमें सीधा कर देना है। तो देख सकते हो हमारा कितना इजी तरीके से प्यारा सा पर्स रेडी है। तो सारे पर्स जो हैं बहुत इजी इजी हैं, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए अगले पर्स को आपको दिखाते हैं। 22x10 इंच का ये हमारा पीस है, 22x10 इंच का। एक मैंने जिप ली है और एक मैंने ये कपड़ा लिया है अस्तर के लिए नीचे के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें पॉकेट लगाएंगे बिना जिप के अंदर की साइड में। तो 7 इंच का ये वाला जो कपड़े की चौड़ाई है 7 इंच की है। तो देखिए इस तरीके से मैंने करीब 2 इंच नीचे लेते हुए इसको सिल दिया है और इसका 20 सेंटर निकालेंगे। इसमें हम एक और पॉकेट लगा देंगे, दो पॉकेट ये एक ही कपड़े में से हो जाएंगी। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच की है। इस में से हमने 2 स्ट्रिप रेडी कर ली हैं। इसकी लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो, 15 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है। 20 सेंटर में निशान लगाया इस तरीके से। अब देखिए दोनों साइड में आपको इसे सेट कर देना है 2-2 इंच की दूरी पर। तो आप थोड़ा सा गौर से देखना क्योंकि मैंने फास्ट कर रखी है वीडियो। तो देखिए दोनों साइड में आपको 20 सेंटर से 2-2 इंच का निशान लगाते हुए सेट कर देना है तनियों को और ऊपर से आपको चैन को अटैच कर देना है। तो देखिए चैन को भी मैं साथ में अटैच कर रही हूँ इस तरीके से और ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। हाँ इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी चैन को अटैच करते हुए और डोरी को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने अटैच कर दिया इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ और इसमें हम डाल देते हैं रनर, उल्टा करके फिर से चैन को बंद करके और फिर से डाल देंगे इस रनर को। अब देखिए दोनों साइडों से आपको सिलाई लगा देनी है जो ओपन साइड है हमारी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ इसमें आलपिन ताकि ये हिले ना, सीधी सिलाई लगे। अब दोनों साइड से देखिए पाइपिंग अटैच करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है और फोल्ड करके एक और सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब देखिए जो सिलाई लगी हुई है वहाँ से आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है, जो नहीं लगी हुई है वहाँ से आपको 1 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से चौकोना बना के आपको सिलाई लगा देनी है इस तरीके से सीधी और इस पर्स को आपको सीधा कर लेना है। ये हमारा प्यारा सा पर्स रेडी है। आप देख सकते हो कितना इजीली तरीके से ये हमारा पर्स बनके रेडी है। और अगर आप इसे थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना चाहते हो तो आप इसे ऊपर जाके आपको 3 डॉट मिलेंगी वहां जाके आप स्लो कर सकते हो वीडियो को, आप और भी ज़्यादा स्लो देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्लो में देखना है तो। अब देखिए हम बनाने वाले हैं चार्जर होल्डर। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी जगह टांगने की नहीं होती है तो डायरेक्टली आप चार्जर में टांग के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें कट लगा लिया है और नाप शायद मैंने पहले ही आपको बता दिया होगा लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं आपको मुँह से बता नहीं पा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से हमने एक और कपड़ा लिया है और सीधी साइड में रखते हुए इसको मैं सिल रही हूँ चारों तरफ से इस तरीके से और इसमें हम कट लगा देंगे बीच में और इसे बैक साइड में फिर से फोल्ड करके सिल देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक साइड में इसको फोल्ड कर दिया है, आलपिन से सेट कर दिया है और ऊपर से एक सिलाई और लगा दूंगी। तो देखिए ये सिलाई मैंने इस तरीके से लगा दी है तो और नीचे की साइड भी लगा दी है। अब देखिए यहाँ से आपको
पाइपिंग अटैच कर देनी है। तो पाइपिंग भी लगा दी है। अब देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर दिया इसको करीब 7 इंच का। अब यहाँ पे हमें लगा देनी है पाइपिंग दोनों साइडों में, मतलब कि तीनों साइडों में, दोनों साइड हो गई और ऊपर वाली साइड हो गई, नीचे से तो हमारी बंद है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग लग जाएगी और ये हमारा चार्जर होल्डर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चार्जर फोन स्टैंड भी बोल सकते हो आप टांगने वाला। तो ये हमारा मोबाइल चार्जर रेडी है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हो, इसी में ही आपका फोन आ जाएगा। तो मेरे पास दूसरा फोन नहीं है इसलिए मैं आपको फोन रख के नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए अब आप लोग को दूसरा आइडिया बताते हैं। तो देखिए आपके यहाँ दूसरी कील लगी हुई है साइड में, तो आप वहाँ भी टांग सकते हो। तो अगला आइडिया हमारा एक और। तो देखिए इसका जो नाप है 19x8 इंच का है और मैंने एक जिप ली है, जिप को अटैच कर दिया, ऊपर से एक और सिलाई लगा दी है, फिर से मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है, जिप को अटैच कर दिया पूरी तरीके से, रनर डाल दिया है। अब देखिए जिप को बंद करते हुए फिर से मैंने रनर को डाल दिया है। अब देखिए इस तरीके से मैंने आल पिंसेस को सेट किया है और दोनों तरफ से नीचे से भी किया है। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम देंगे सेब। आपको जो भी सेब देनी है वो आप दे सकते हो। तो मैंने हल्का सा मटका सेब दिया है और एक मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ 40 इंच की। तो ये मैंने मार्केट वाली ली है, आप इसे घर पर भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं देखिए दोनों तरफ अटैच कर दूंगी इस तरीके से। तो इसमें कोई भी अंटा नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सारी स्ट्रिप को मैंने बीच में कर दिया है, सिलाई में नहीं आना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है ऊपर से पाइपिंग को रखते हुए और सिलाई लगा देनी है पूरे पर्स में। और गाइज अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए और सबसे ज़्यादा पर्स कौन सा पसंद आए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखना चाहते हो तो आप ऊपर 3 डॉट आपको दिख रही होंगी, वहाँ जाके आप इसको स्लो मोशन में भी कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पर्स आप लोग को ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए इस तरीके से आप इसे फ्लावर के साथ रेडी कर सकते हो। तो देखिए ये फ्लावर भी मैं आप लोग को बताना बता देती हूँ। तो मैंने इसी पर्स के लिए फ्लावर को बनाया था, तो ये बाद में मैंने अटैच कर दिया था। तो देखिए एक मैंने पीस लिया है, आपको नाप मैंने बता दिया, आप इसे थोड़ा सा बैक करके देख लेना। तो इसको मैंने सिलाई लगा ली है दो तरफ से। अब एक तरफ से मैंने इसको सीधा कर दिया है सिलाई लगाने के बाद में, और सुई धागा लिया है और सुई धागे की मदद से देखिए इस तरीके से हम इसे सीधा सिलेंगे पहले। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है और जो ओपन पार्ट था उसको भी हमें थोड़ा सा अंदर पार्ट को करते हुए और सिलाई दोनों पार्टों को हमें अटैच कर देना है, सिलाई लगा देनी है। और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा। और ऊपर से आपको कोई भी स्टोन वगैरह लगा देना है जो भी आपके पास पड़ा हो वेस्ट। तो देखिए ये हमारा फ्लावर भी बनके रेडी है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कमेंट जरूर करना और लाइक करके जरूर जाना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो देखिए ये हमारा पर्स बनके बिल्कुल रेडी है ना, कितना प्यारा सा लग रहा है इस फ्लावर के साथ में। तो ज़रूरी नहीं है इसी में से बनाओ, आप किसी भी कपड़े का बना सकते हो।